अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? दिस इज मी वसीम और मैं आप सबको अपने चैनल पे और अपनी वीडियो में वेलकम करता हूं। तो जो लोग मुझे मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम देखते हैं, मैं उन्हें बताता चलूं कि मैं अपने चैनल पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज करके उनका ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और बहुत सारी होममेड रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है, DIY शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है खुले मसाम, ओपन पोर्स का मसला। ओपन पोर्स का मसला बहुत से लोगों को होता है, पाकिस्तानी मतलब एशियन जो स्किन टोन है उनको तो ओपन पोर्स का बहुत ही ज्यादा मसला पेश आता है, ठीक है। तो बात ये है कि हम हमारी स्किन पे ना ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि नॉर्मल साइज के हो तो स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि उससे जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल आता है। लेकिन अगर ये पोर्स ज़्यादा बड़े हो जाएं तो स्किन बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, चिपचिपा सा फेस हो जाता है और फेस पे पिंपल्स वगैरह की वजह भी ओपन पोर्स बनते हैं क्योंकि ज़्यादा ऑयल निकल रहा होता है, फिर ज़्यादा फेस पे प्रॉब्लम होती है। तो उसमें बड़े पोर्स में डर्ट, ऑयल, पोल्यूशन वगैरह जमा हो जाती है, फिर वो पिंपल्स की शक्ल ले लेते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा मसला बनता है ओपन पोर्स की वजह से। तो कुछ हम ऐसी क्रीम्स यूज करते हैं जो कि फाइजा, गोल्डन पर्ल और ऐसी दूसरी अदर क्रीम्स है जो हम यूज करने के बाद हमारे फेस पे बहुत बड़े ओपन पोर्स बन जाते हैं। हमारे पोर्स को ओपन करने में ये क्रीम बहुत ज्यादा मतलब करेक्टर प्ले करती है, तो हमें चाहिए कि हम ऐसी क्रीम्स को भी यूज ना करें। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ये जो मेरे पिंपल्स हैं ये ऑलमोस्ट देख लो खत्म हो चुके हैं। आप लोग कह रहे थे निशान पड़ चुके हैं, भाई निशान नहीं, ऑलमोस्ट खत्म हो चली है, ठीक है। ये इधर थे, आपको पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो जो लोग देखते हैं उन्हें पता होगा कि इधर थे खत्म हो गए हैं, अब इधर है, तो ये भी इंशाल्लाह बहुत ही जल्द, ईद से पहले तो ये आपको नजर ही नहीं आएंगे, ठीक है ना। अभी मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा रहा हूँ, ये देखो बिल्कुल थोड़े से रह गए, बिल्कुल थोड़े से खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ये भी निशान इनके। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपके ओपन पोर्स को क्लोज करेगी, टाइट करेगी और आपको इन सारी मुसीबतों से दूर रखेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज की बनाना ये इंटरेस्टिंग रेमेडी। तो वीडियो स्टार्ट करूँ से पहले रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल पर आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारी रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी मुल्तानी मिट्टी की, तो यहाँ पे मेरे पास है मुल्तानी मिट्टी, लेकिन इसमें मैंने हुस्न यूसुफ को भी मिक्स किया हुआ है, लेकिन आपने कोशिश करनी है सिर्फ मुल्तानी मिट्टी ही यूज़ करें। मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस से ऑयल को सक करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले करती है और पोर्स को क्लोज करने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इंग्रीडियंट है। यहाँ पर फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ दही। दही हमें चाहिए 2 चम्मच, तो मेरे पास 2 से 2.5 चम्मच थे, मतलब 3 चम्मच आप समझ लें मुल्तानी मिट्टी के, और उसमें 2 चम्मच में मैं ऐड कर रहा हूँ दही के। दही में भी वाइटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, इलेक्ट्रिक एसिड होता है जो हमारे पोर्स को क्लोज करता है, हमारे कलर को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा करेक्टर प्ले करते हैं, ठीक है। देन हमें चाहिए ककंबर जेल। ककंबर जेल भी पोर्स को क्लोज करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, आप कोशिश करें ककंबर का आपको जूस मिल जाए, लेकिन मेरे पास अभी ककंबर अवेलेबल नहीं था तो मैंने ककंबर जेल यूज़ कर लिया। ककंबर जेल में भी बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ये जले फेस पर बहुत ज़बरदस्त काम करता है, फिर हमारा फेस जो क्रीम्स की वजह से डैमेज हो चुका होता है उस डैमेज को भी रिपेयर करने में ये बहुत ही ज़्यादा कमाल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें कुदरती बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रीडियंट्स पाए जाते हैं, अगर इसके फायदे पता चल जाए तो हम इसे हमें डेली की रूटीन में शामिल कर लिए। देख सकते हो मैं कितना यूज़ करता हूँ ककंबर जेल, जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ककंबर जेल को भी ऐड कर दिया, एक से मतलब एक ही चम्मच भर के ऐड किया है। तो उसके बाद मैं इसमें जो प्रोडक्ट ऐड करूँगा वो है, फिर इसमें जो मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगा वो है टमाटर का जूस। लेकिन आपके पास टमाटर है लेकिन आपको पता नहीं कि टमाटर का जूस कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि टमाटर का जूस कैसे निकालते हैं विदाउट ग्राइंडर। आपको चाहिए एक कांटा फोक जिसे बोलते हैं, शायद मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टमाटर में भी ब्लीचिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ये हमारे फेस पे पोर्स को भी क्लोज करने में काम आता है और हमारे फेस पे जो स्कार्स वगैरह होते हैं उनको रिड्यूस भी करता है, तो इसलिए टमाटर में भी बहुत ज़्यादा कुदरती अच्छे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये ले लो फोग और इसमें मैं अच्छे से इसको मार रहा हूँ, अच्छे से इसमें मैं इसकी हेल्प से सुराख कर लूँगा। आप लोग देख सकते हो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ और जूस निकलना स्टार्ट भी हो गया, लेकिन मैं अच्छे से इसको ज़ख्मी करूँगा इस टमाटर को इस फोग के साथ। तो ये मैं कर रहा हूँ इसको अच्छे से ज़ख्मी, तो अच्छी तरह से इसको निकालने के बाद मैं अब इसको क्या करूँगा, इसमें निचोड़ दूंगा और ये देख लो ये इसका सारा जूस इसमें चला गया और जो इसका छिलका वगैरह है वो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन इसका जितना भी
इसका ये जो जूस था वो इसमें आ चुका है। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया टमाटर का जूस, आपने भी इसी तरह से निकाल लेना अगर आपके पास ग्राइंडर वगैरह अवेलेबल नहीं है तो। अच्छा, तो टमाटर जूस ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ वो है लेमन। लेमन हम सभी जानते हैं लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो अगर हम वैसे ही अगर हमें लेमन सूट करता है तो इसको काट के फेस पर डेली अगर इसकी मसाज करें तो हमारा कलर खुद ब खुद ब्राइट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्किन को ब्लीच करता है। तो इसलिए ब्लीचिंग हमारे कलर को बहुत ज़्यादा ब्राइट करने में इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले करती है। आज ये वर्ड भरा यूज़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इसका ये सारा जूस मैं इसमें ऐड कर दूँगा अपनी इस रेमेडी में। अच्छे से सारा इसका जूस आपने इसमें ऐड करने के बाद क्या करना है, आपने इन सारी रेमेडी इस चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, इनको मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इस तरह से मिक्स करना है कि ये एक पेस्ट की शक्ल ले ले। तो जिस तरह से मैं मिक्स कर रहा हूँ इनको बिल्कुल तसल्ली से, आपने भी तसल्ली के साथ इन चीज़ों को मिक्स करना है। मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, मैंने दही ऐड कर दी, लेकिन ये मैंने गलती की क्योंकि बाद में मुझे ये ज़्यादा पतला हो गया था, तो ये बन गया है मेरा मास्क। अच्छे से मिक्स कर लूँगा, मिक्स करने के बाद मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आपने इसकी कोई थिक लेयर अप्लाई करनी है फेस पे। मुझे टमाटर की खुशबू ज़रा भी नहीं पसंद और इसकी इसमें टमाटर की खुशबू आती है, लेकिन क्या करें, लगाना पड़ता है स्किन का ध्यान करने के लिए। तो मैंने इसको ज़्यादा थिक नहीं बनाया, आप कोशिश करना कि आप इसको ज़रा थिक बनाना, क्योंकि थिक होगा तो आपके फेस पे ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा स्टे करेगा। तो मेरे फेस पे ये ज़्यादा स्टे नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ज़्यादा थिक नहीं बनाया, गलती कर दिया मैंने, लेकिन आप लोग ये गलती ना करना, इसको काफ़ी ज़्यादा थिक रखना। ठीक है, तो ये मैंने अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से लगा लिया। तो मैं वापस आ चुका हूँ अपना मुंह धोने के बाद, मेरा फेस अभी तक गीला है, आप लोग देख सकते हो ये, अगर आप मतलब आपको मेरा आप देख सकते हो फेस अभी तक गीला है। तो इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं ऐसे ज़बरदस्त है जो आपके फेस से ऑयल को सक करेगा, जो कि मुल्तानी मिट्टी है वो आपके फेस से ऑयल को, सारा ऑयल आपके फेस से सक कर लेगी। फिर उसके बाद बात करें टमाटर और लेमन की, वो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, वो हमारे फेस पे ब्लीचिंग करते हैं। फिर दही की बात करें तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारे फेस पोर्स को क्लोज करता है और हमारे कलर को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, तो मेरी उर्दू थोड़ी सी ख़राब है, इग्नोर करना उस चीज़ को। तो ये है मेरा फेस आफ्टर वॉशिंग, मतलब फेस पे ग्लो है, मुंह पे कुछ भी नहीं मैंने लगाया हुआ, मेरा फेस अभी तक गीला आप देख सकते हो। तो बहुत कमाल की ये रेमेडी, आप डेली यूज़ कर सकते हो, हर कोई एज वाला यूज़ कर सकते हो, इसको बना के स्टोर कर सकते हो, लेकिन 2-3 दिन के लिए, ज़्यादा देर नहीं। ठीक है, तो आप इसको वीक में 7 दिन लगा सकते हो, जब तक आपके पोर्स बंद नहीं हो सकते हो जाते आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो क्या करना है, मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप, दिस इज मी वसीम और मैं आप सबको अपने चैनल पे और अपनी वीडियो में वेलकम करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त एक रेमेडी और साथ में इस शीट मास्क का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये बायो एक्वा की तरफ से शीट मास्क है, तो इसका नाम ऐसे बायो एक्वा ही है, लेकिन इन्होंने मतलब बायो एक्वा की एक आगे से जैसे रेंज होती है वैसे इसका नाम है इमेजेस। तो ये स्वीट कुछ यू नाम का है, मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, और ये एक अमेजिंग शीट मास्क है, मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। तो यूज़ करने के बाद ही अगेन इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको मैं कैसे यूज़ किया, कैसे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले, कैसा ये मास्क है, आपको कितने का मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, सारा कुछ आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल पे आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं, पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएँ ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी 2 शीट मास्क का रिव्यू कर चुका हूँ। तो आज मिनिसो की मैंने शीट मास्क का रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पे, तो फिर उसके बाद मैंने
मनीषो बायो एक्वा और आज फिर बायो एक्वा की ही एक रेंज है मेरे पास इमेजेस कुछ यू नाम है इसका, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, आप लोग देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रीमियम पैकेज।